ये बहुत गुस्सा हो गया था। ये तूबा कह रही है कि मम्मा मेरी बारी कब आएगी। तूबा डर रही है उड़ उड़। ये जेडू भाई के बर्थडे पे कैपिंग कैसे करोगे? तो गाइस इतना बड़ा है, एक घंटा वॉक भी करोगे ना थक जाओगे। झूले माटे करेंगे हम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 9:30 बजे, क्योंकि हमें सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया था। पायल की पहले जॉन्डिस की जो रिपोर्ट है उसको लेके गए, मेरी कैल्शियम आयरन की जो दवाइयां थी वो लेनी थी, उसके बाद पूरा दिन निकल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के बर्थडे का वेन्यू देखने। तो गाइस फाइनली भाई अयान और तूबक दोनों का बर्थडे आने वाला है, कुछ दिन बाकी है और जोरों शोरों से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने जैद का बर्थडे किया था सोसाइटी में, तो सोचा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि देखो सेम गेस्ट होते हैं, सेम बर्थडे होगा तो ऐसे लगेगा सेम ही सब कुछ है। तो हमने सोचा इस बार थोड़ा वेन्यू चेंज कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार ना हमारे जो गेस्ट लिस्ट थी ना वो थोड़ी कम थी, बट इस बार ना बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। जो जैद के बर्थडे पे नहीं आए वो भी आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए बड़ा वेन्यू। तो अभी हम जा रहे हैं वेन्यू देखने। तो भाई मेरी और पायल की ड्रेस तो पहले से फाइनल हो गई थी, तूबा अयान और जैद की हम लोग ले आए थे, बाकी बचे चीकू के पापा और चीकू। तो उन लोगों की जो ड्रेस है ना, आज मैंने अरमान जी की शर्ट की मेजरमेंट दी है। चीकू के लिए हम शर्ट नहीं बनवा रहे, क्योंकि चीकू ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ब्लेजर में। लास्ट टाइम जैद के बर्थडे के लिए इतनी प्यारी ब्यूटीफुल पायल ने ब्लेजर सेट बनवाया था, पर चीकू पहन नहीं पाया। तो हमने सोचा चीकू को इस बार ना कूल कपड़े पहनाएंगे, जिस कलर के हम कपड़े पहन रहे हैं, मतलब हम लोग पूरी फैमिली पहन रही है स्टील ब्लू एंड व्हाइट कलर के कपड़े। तो गाइस स्टील ब्लू मतलब ये वाला कलर जो हमारे सोफे का कलर है, इस कलर की कॉस्ट्यूम है हमारी। तो वेन्यू देखने के बाद ना हम लोग डेकोरेशन की सारी चीजें देख लेंगे, क्योंकि उस हिसाब से डेकोरेशन होगी। जैसे जैद के बर्थडे भी हुआ था ना कि एक वॉल बनी थी उसकी 0 मंथ्स, मतलब उसकी फर्स्ट पिक्चर से लेके 12 मंथ की जर्नी की, वैसे ही मैं अयान और तूबा की भी मैंने ऑलरेडी सारी फोटोज अपने पास अपने फोन में कैप्चर रखी हुई। जैसे जैसे बच्चे ना बड़े होते थे, मतलब जैसे जैद पैदा हुआ तो उसकी फोटो, अयान तूबा पैदा हुए तो उनकी फोटो, जब वो 1 महीने की हुई तीनों बच्चे तो उनकी फोटो। तो मैं ये ना स्टार्टिंग से बना के रख रही थी, क्योंकि मेरे को बड़ा शौक था ये चीजों का। जब मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी ना, बहुत सारे लोग अपने बच्चों की ना जर्नी डालते थे पैदा होने से लेके 1 साल तक की, तो मैं सोचती थी जब भी मेरे बच्चे होंगे ना मैं भी ये सब कुछ करूंगी जो मैंने सोचा है। तो गाइस अभी भी हमने बच्चों को बोला बाय बाय हम जा रहे, तो रोने लग गए सारे कि भाई बर्थडे पार्टी हमारी, पहले तुम लोग देखोगे? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग भी साथ में चलो, कोई भी ऊपर नीचे में बात हुई फिर बाद में हमें बोलना, पसंद इन्हीं को करना ना बर्थडे इनका है। और इस बार थोड़ी मैंने सोचा तीनों की एंट्री जो कराऊंगी बहुत स्पेशल, और मेन्यू भी ये डिसाइड कर लेंगे। चलो तो गाइस मैंने भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे भी साथ ले चलो, मेरा भी योगदान रखो इस इवेंट में। आप तो सबसे पहले हो। अच्छा चलो डायपर ले लो बच्चों के। हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया यार, चीकू के पापा आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, 3 डायपर ले लो। ये बहुत गुस्सा हो गया था, बाल मार रही है, गुस्सा निकाल रही है। पता क्यों मम्मा? कल हमने मना कर दिया ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वही गुस्सा निकाल रही है। भाई ये चल चलेंगे तब क्या होगा? एक आधा रोज पीटेगा, तू मेरे को मत मारा कर, मेरे को खुश हो जाता है लिफ्ट में आते ही, लिफ्ट को पूरा सर पे उठा लेता है। उड़ू क्या छेड़ दिया आपने इसको? मैंने क्या छेड़ा है? आपने तो छेड़ा, सर से बाले खाला, देखो इसको मैं लेके जाती हूँ। ठीक है, अनु मजे कर रहा है सनरूफ के, और लड़का ये बोलो ये कब आएगी? मैंने कहा बेटा तेरी भी बारी आएगी, तो चलो। तूबा डर रही है गुड्डू, तूबा डर रही है गुड्डू, गुड्डू डर रही है, तूबा इसको लेके आना पड़ेगा वापस। तो गाइस ये डर रही है, देखो तूबा इंजॉय करो बेटा। लग रहा है शायद से ये भी डरे, शायद से, नॉट श्योर, एक बार जरा पल ट्राई करें। तो हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है, अब तो गाड़ी रुक गई, और वैसे भी गाड़ी 5 की स्पीड पे चल रही थी, तो मैंने बच्चों को थोड़ा एंजॉय कराया। तो तू बार डर गई थी, अयान फुल एंजॉय कर रहा है, बार बार कराओ। अब जैदू की बारी आई है, अब जैदू बेटा करेगा, बस एक बार ट्रैफिक से निकल जाए। ये तो गुट्टी कर रहा है, अभी तो मैंने बार भी नहीं निकाला इसे। चले जैदू बाहर, बाहर चले, चले चलो, जैदू भाई के बर्थडे पे कैपिंग कैसे करोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, कैपिंग करो, कैपिंग कह रही थी। हैप्पी बर्थडे अयान टू जैदू, भाई के बर्थडे पे कैपिंग कर दो, कैपिंग कर दो भाई के बर्थडे पे। कृष्णा क्यारा, कैपिंग कर दो भाई के बर्थडे पे, कर दो। कैसे करोगे भाई के बर्थडे पे कैपिंग? अब नहीं करेगा, एक बार करता हूँ मैं बस। भाई लाडला जा चुका है अपने पापा की गोद में, पापा की गोद में, क्योंकि ना उसे विंडो सीट चाहिए थी और मैंने उसे बीच में बैठा रखा था, तो अभी ये गया अपने पापा के पास, इंजॉय कर रहा है। अभी ऐसे ऐसे फुदक रहा था ना, गुड्डू डांस कर रहा है ऐसे मजे में। वो गाना चला दो फिर दिखाती हूँ। अच्छा तुझे एक चीज याद है, जब चीकू छोटा सिद्धू मूसे लगा रही सुना सुनता
इसी तरह एंजॉय करे ना, सच में इतना अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है बच्चों के साथ डांस करते हुए। वैसे तो अक्सर गाने सुनते रहते हैं, बट आज बड़ा मजा आ रहा है। तू बने यहाँ पे मेरे पास बैठी आराम से, बल ऐसे उंगली देके ऐसे चेक कर रही है मेरे आज कितने नए दांत आए हैं, आज मैं किसको काटूंगी। काटना नहीं है बेटा, काटने की हरकत गंदी होती है, मारूंगी बहुत, पीटा कर दूंगी, काटी काटी करेगी। तो हमने अब सोचा कि जब भी हम रात में फ्री होंगे ना, तो तीनों बच्चे क्योंकि लेट सोते हैं, तीनों बच्चों को ना बाहर ले जाया करेंगे, एंजॉय कराया करेंगे। और जैदू तो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, जब भी गाना बजता है ना इतना डांस करता है। आपके भी दांत आ रहे हैं एक्स्ट्रा? तूने बताया तो एक नया दांत आ रहा है, इसका भी आ रहा, इसका भी आ रहा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए एक लोकेशन पे, और सच में यहाँ पे तो भाई कमाल का वेदर हो रहा है, आसमान में ऐसे बादल छा रहे हैं ना। और मैं ये सोच रही हूँ बच्चों के बर्थडे वाले दिन भी ना ऐसा ही हो मौसम। फर्स्ट लोकेशन हम ये देखने आए क्योंकि हमने सोचा कि बच्चों को खुद अपने बर्थडे की लोकेशन देखनी थी, तो इनको भी दिखा देते हैं, खुद भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे मनील भाई है, जो ये पूरा जुगाड़ जितना भी बड़ा है सारे इनके अंदर में, इतना बोझ अपने कंधों में पता नहीं उठा कैसे लेते हैं। थोड़ा सिनेमैटिक शूट चेक करो। सब कुछ खाने का मंगवाना पड़ा वेज में, क्योंकि मेन्यू खाएंगे तभी बच्चे डिसाइड करेंगे। तो मैंने ना ये प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पे चीज बॉल खाई थी, ठीक है, तो बहुत टेस्टी लगी। सो जाओ सॉरी ये मानती है बस, इसे बोले तू बस सो जाओ तो सो जाती है। तू उठ जाओ, तू उठ जा, सुबह हो गई। तूने सुना मेन्यू पढ़ रहा है वो ये एक्चुअली बर्थडे का है ना भाई, 40 है ना भैया 20 दिन तो इतना तो यार पायल हक है उसका, 20 दिन बड़ा है, डिसाइड ये करेगा। हाँ, क्या बेटा क्या डिसाइड? पायल जैद ने डिसाइड करा है मेन्यू पे, एक तो सीजर सैलेड और एक करना उसको भी। हाँ और करो बेटा आलू चन, ठीक है आप करो। ये आलू कुछ बोल रहा है, आलू कुछ कह रहे हैं, आलू खाने जिसने चम्मच उठा लिया पहले ही। तो यहाँ पे बच्चों को हम एक एक चम्मच दे देते, और ना बच्चे टेबल पे बैठ गए, टेबल पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। उनके साथ आज हम डिनर पे आए हैं, देखते हैं कैसे डिनर रहेगा। बोलो अब लड़ाई, ठंडा ठंडा नहीं, नो नो, इनके लिए क्या मंगवाऊं बल, ये उसी में से खिला देंगे इनको। तो गाइस बॉटल के पीछे लड़ाई हो रही है दोनों की, वो कह रही है मेरी है, ये कह रहा है मेरा है। छीन लिया भाई ने आपसे, आप हार गई तुबा, आप हार गई, भाई जीत गया। ऐसे कैसे जीतने दूंगी भाई को, मैं भी तुबा रानी हूँ। चाबी खराब ना कर दियो रानू, तो गाइस इतना बड़ा है, अगर आप एक घंटा वॉक भी करोगे ना थक जाओगे, और हर जगह कुछ ना कुछ यूनिक आने वाला है। मतलब 18 तारीख यानी कि एक महीने बाद कुछ नया आने वाला, वो भी आपको दिखाएंगे जितने भी हमारे जीरकपुर के भाई हैं, चंडीगढ़ के, मोहाली के, शिमला के, इधर उधर के। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो, पार्टी करने के बाद जो मजा आएगा ना वो अलग होगा। नहीं भाई बहुत ही अच्छी लोकेशन है, इतना शांत माहौल है ना, मतलब यहाँ पे, और इतनी मतलब तुम बाहर नहीं सो सकते रात को, यहाँ ठंडा इस टाइम। उस साइड चलते हैं एक बार, मैं यहाँ पे पूल वगैरह भी आ रहा है, तो चीकू की पूल पार्टी भी मैं सोच रही हूँ हम प्लान करेंगे। भाई हमको मिलती है एक चीज है, हमारे तीन, अब कोई बात नहीं, एक एक करके घोड़ा, एक घोड़ा गाड़ी भी पाल उसमें बिठाती है, लड़ पड़ेंगे दोनों। नहीं अब लेट हो आराम से और घूमो आराम से। गाइस जितने भी लोग हैं जिन्होंने गिफ्ट अब जिसने अब नेक्स्ट गिफ्ट देना है तो ये दे देना, ये घोड़ा दे देना। गाइस हम मजाक कर रहे हैं, तो ओपनली गिफ्ट मांगा जा रहा है। बेटा जहाँ जाते हो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है तुम्हारे लायक ना, जहाँ जाते वहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी मिल गई है, ये भी मिल गया है। भाई मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी, ये देख रहे हो भाई चटपटे लोग क्या खा रही, मोमोज खा रही, तंदूरी मोमोज, ये देखो भाई क्या खा रही है, तंदूरी डिमसिम, क्या होता है तंदूरी मोमोज होते हैं। मुझे पता था, शांति तू भी खा, शांति कॉफी पी रही है, कोल्ड कॉफी। शांति का पति देख रहा है ब्लॉग, कह रहे अच्छा पूरी रात घूमती रहती है और बोलते हम काम करते हैं, यहाँ तो ऐश कर रही है। हाँ भाई भाई हम जब ऐश करेंगे तो शांति भी करेगी। तो यहाँ पे जैद अयान तूबा सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इनको खिला तो सकते हैं डिमसिम, देखो कौन पिला रही हूँ, पिला रही हूँ। किसी की नजर से मेरे डिमसिम पे गिर गया नीचे, खा ले डिमसिम सूरज, तू तो खा ले, टिंकू ले ले। हाँ जी हाँ जी। तो गाइस हमारे लिए स्पेशली आ गई है वेज प्लेटर, और भैया को मैंने कहा मुझे ना कुछ सब कुछ खाना है थोड़ा थोड़ा, तो भैया ने सब कुछ मंगवा दिया थोड़ा थोड़ा। तो भाई तुम भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुँचना, मतलब हर चीज मिलेगी आपको, वेज नॉन वेज हर चीज, सुकून सबसे पहले मिलेगा। पहले ना ये मैं सबसे पहले ये ट्राई करूंगी, ये चाप, चाप या पनीर है? अच्छा पनीर है, मुझे चाप नजर आ रहा है। चाप का सुनने को याद आया? हाँ मुझे याद आया, दिल्ली याद आ गई, दिल्ली याद आ गई। तो गाइस मैंने स्पेशली चीज बॉल मंगवाए थे, और सच में मैंने अपना एक पूरा चीज बॉल खा लिया, थोड़ा सा और खाया, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, कोल्ड कॉफी वो भी जबरदस्त है, मजा आ गया खाना खा के, और बच्चों को भी खाना खिलाया, बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया। तो हम दोनों कोने कोने पे इसलिए बैठे हैं ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि यार मेरे को लगता है कभी मैंने ज्यादा खाना खाया ना मेरा वजन से कहीं झूला नीचे ना गिर जाए। तू बकाए, तू बकाए, तू वो टकले पे मार रही है, चच्चू की टकले पे मार रही है, तू वो झूला झूलेगी, शांति भी झूल रही है, देखो शांति भी झूल रही है, शांति को देखो, बच्चों वाले झूले पे देखो मस्ती कर रही है।
भाई तू दे दे आ जाएगी ना, मैं पकड़ू, मैं बीच में हो जाऊ, पाल बीच में नहीं, कोई नहीं चलो। चल वैसे एक बात बोलूं, तुम तीनों का वजन और मेरा वजन झूले माटे झूले बराबर भी ज्यादा होगा, तब भी मैं कह रही बराबर नहीं है, पाल का वजन है 49। माटे झूले माटे करेंगे हम इंजॉय बेटा। तो गाइस ये वाला लोकेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अभी इसमें डेकोरेशन वगैरह होगी। पाल तू पका पैर, पाल तू पका पैर, क्या हो पैर, पैर वो गंदी चीज का खाली है। नहीं नहीं वो ठीक है, इसका झूलने का मन नहीं है, झूला ले रही है। हाँ यार सही बोल रही है पाल तू। गोलू कह रही है कि अपने घर पे, घर के पास भी ना पार्क होना चाहिए, झूला होना चाहिए। मैंने अपनी छत पे झूला रखा है, कभी हम जाते हैं झूला झूलने, सही बात है, कभी नहीं जाते हम। और इसको देख लो ये लड़की मेरी गोदी में बैठने पसंद नहीं कर रही, और देख देख पाल पैर रख, देख पैर ग्रिल पे पैर रखे खड़ी है, देखना इसके पैर देखना छोटे से कैसे, देखो पाल इसके पैर पे जूम कर एक बार, दिखेगा नहीं, अंधेरा हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो छन्नी छप्पा छन्नी मेरी बेटी है छन्नी। तो गाइस घर पर आ गए, नाइट सूट चेंज कर लिए, फेस वॉश कर लिया, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।